तुम्हारे माजी के दुखों की परछाई भी ना पड़े उन पर। मैं जानती हूँ बेटा, इस वक्त तुम्हें तुम्हारी माँ बहुत याद आ रही होगी, लेकिन बेटा याद रखना, माएँ सारी एक जैसी होती हैं। दिल में दर्द रखने वाली, मोहब्बत रखने वाली। बस आज से तुमने मुझे अपनी माँ समझना। आपने तो मेरी माँ से बहुत बढ़कर किया है आंटी। अगर आज वो यहाँ होती तब भी मोमिन को मेरे लिए नहीं मना पाती। नहीं बेटा, ये तो बस अल्लाह ही जानता है कि किसका साथ किसके साथ लिखा है। सच कहा तुमने कि मैंने मोमिन को इस रिश्ते के लिए राजी किया, खुद तो शायद वो इतना बड़ा फैसला कभी ना ले पाता। और अब मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हारी मोहब्बत मोमिन के लिए इस रिश्ते को आसान बना देगी। खुश रहो बेटा। पूछोगे नहीं हम कहाँ जा रहे हैं? आपकी महफूज, बुरी से बुरी जगह ले जाएंगे, मैं चलूंगी। निकाह करने जा रहे हैं। वो भूल चुकी है आपको, गलत फहमी से बाहर आ जाए। उसे तो याद भी नहीं होगा कि मोमिन भी कोई था, बल्कि रुखसत होने से पहले ही बुला चुकी होगी कि मोमिन भी कोई है। अगर मैं इद्दत में ना होती तो खुद जाकर रोक लेती आशी को। भाई आशी जा चुकी है आपकी जिंदगी से, यकीन क्यों नहीं आता आपको? लगी है
की तुझको आस लगी है, कोई दुआ मंजूर हुई, इश्क सफर का रास्ता मुश्किल। इश्क सफर